सालों तक कांग्रेस में रहकर अपने महाराज के साथ भाजपा में शामिल हुए प्रदेश के मंत्री तुलसी सिलावट की शुक्रवार को जुबान फिसल गई। मंत्री तुलसी सिलावट एक कार्यक्रम में पत्रकारों से रूबरू होते हुए देश के पीएम नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित टिप्पणी कर बैठे। क्या बोल गए मंत्री जी, जरा आप भी सुनिए। देश के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ऐसे लोग समाज के लिए कलंक हैं। देश के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ऐसे लोग समाज के लिए कलंक हैं। इनका जो सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना, और जो घटना घटी है ये हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा भी है कि ऐसे लोगों को, कृत करने वालों को जो भी करे उसको सजा मिलना चाहिए। कोई आप बदला रहा, मेरे संज्ञान में बाहर था, पर मैं आपको बदला दूं, हमारी सरकार अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं, कोई जगह नहीं। सख्ती से सद्य मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी ने उज्जैन में जो गिरफ्तारी हुई है उन लोगों को भी बधाई दी है। और मैं बता दूं फिर, सरकार अपराधियों का। सुना आपने क्या कहा है मंत्री जी आपने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए, अगर नहीं तो दोबारा सुन लीजिए। देश के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ऐसे लोग समाज के लिए कलंक हैं। देश के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ऐसे लोग समाज के लिए कलंक हैं। इनका जो सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना, और जो घटना घटी है ये हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा भी है कि ऐसे लोगों को, कृत करने वालों को जो भी करे उसको सजा मिलना चाहिए। कोई आप बदला रहा, मेरे संज्ञान में बाहर था, पर मैं आपको बता दूं, हमारी सरकार अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं, कोई जगह नहीं। सख्ती से सद्य मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी ने उज्जैन में जो गिरफ्तारी हुई है उन लोगों को भी बधाई दी है। और मैं बता दूं फिर, सरकार अपराधियों का। इस वीडियो के वायरल होते ही कांग्रेस ने इसे लपक लिया और कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए तुलसी सिलावट के बहाने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। तुलसी सिलावट के कलंक वाले बयान के बाद राकेश सिंह ने कहा कि शिवराज सरकार के कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट दिन भर झूठ बोलते रहते हैं, लेकिन भगवान महाकाल सच उगलवा ही देते हैं। सिलावट जी चाहे लाख कितना ही दिन भर झूठ बोले, लेकिन सच एक बार सामने आ ही जाता है। भगवान महाकाल दिन में एक बार सच जिवा पर लाते हैं, और आज उन्होंने सच बोला है कि मोदी जी, योगी जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी समाज के कलंक हैं। ये वो सच है, ये वो कड़वा सच है जो वो खुद भी जानते हैं, जो सांवेर की जनता भी जानती है, जो मध्य प्रदेश की जनता भी जानती है, लेकिन लगातार जनता से झूठ बोलते हैं। आज भगवान महाकाल ने वो शब्द जमा पर लाए हैं जो उनके दिल में थे और वो सामने आए हैं। उनको जनता से माफी मांगना चाहिए और अपने शब्दों पर कायम रहते हुए इस मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाहिए।